भोपाल से आ रही है बड़ी खबर, बच्ची का मिला शव, 5 साल की बच्ची का मिला शव। वाजपेयी नगर मल्टी से मंगलवार दोपहर 12 बजे से लापता थी बच्ची, पड़ोस के घर में मिला शव, संदिग्ध को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजन और पड़ोसियों ने किया चक्का जाम, परिजन पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं लापरवाही करने का आरोप। पानी की टंकी सहित बच्ची का शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हमारी मांग है तो उसको फांसी देना चाहिए, फांसी हमारे बिल्कुल फांसी दो ना, मेरा हमारे वाले को क्या होती, वो बच्ची हमारी है क्या, हमको फांसी चाहिए बस, फांसी हमारे वाले करो, हमारा मन थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा, उसको हम मारेंगे, पहले तो मारेंगे। तेरे मल्टी में दारू वालों का सबक कर रही है, दारू बेचने वालों का सबक कर रही है पुलिस, पुलिस कुछ नहीं कर रही है आप, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस केवल हफ्ता वसूली कर रही है, चंदा वसूली कर रही है, खुले आम पुलिस बैठ के, खुले आम पुलिस बैठ के चौकी के ऊपर बैठ के पूरी मल्टी में दारू बिकवा रही है पुलिस, ये काम कर रही है पुलिस, कोई काम नहीं कर रही है। आरोपी को फांसी होना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, मल्टी वालों की एक ही मांग, आरोपी को फांसी होना चाहिए। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी, पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची का घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिन से, पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है, पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है, यहाँ के बीट जो बीट प्रभारी है वहाँ के वो दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहते हैं, कांस्टेबल से लेकर पूरे पुलिस प्रभारी वहाँ से कितना पैसा आना है कितना वूली करना है उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं, मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा, 2 दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही, पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन नहीं। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया, शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर, धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं, ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत से छोड़ दो, और जिसने भी कराया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कमिश्नर सिस्टम, देखिए इस स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया, अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा, मैंने CSP साहब से बोला है मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने CSP साहब से ही बोला है, SP साहब से, एडिशनल SP साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, पड़ोस में देखो, अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का व्यवहार यूं है, और साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है, अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ, आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया, क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है, तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा, वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है, ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंच रहा है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे, और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं, उस परिवार को कम से कम वर्तमान में संतावना देना चाहिए, और जितने पीड़ित परिवार हैं इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए। मेरी बात सर, कुछ अभी बच्ची की जानकारी लग सकी क्या, नहीं जो बच्ची घूमी हुई थी? पुलिस द्वारा पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है, 50 से अधिक हमने बल प्राप्त किया है, और इसकी पूरी सर्चिंग की जा रही है, मल्टी का एरिया, उसके आसपास का एरिया,
जो झाड़ वाले एरिया हैं इन सब में भी देखा जा रहा है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा ले जा रहे हैं और जो भी पूछताछ हो सकती है वो भी है। जैसा मैंने बताया सभी अंदर जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, टेक्निकल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरे साइड वाले इन सब पे काम किया जा रहा है और उसके अलावा सर्चिंग हमको हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, हर एंगल में हमको कुछ कुछ जो भी लीड मिल रहा है उसके लिए जिसके हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से जुबेर खान के साथ विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।